चिप्स के बारे में सुनते ही ये दो सवाल हर कॉमन आदमी के दिमाग में आ ही जाते हैं। पहला कि कभी चिप्स को गलती से पायरेट ने हाईजेक कर लिया तो उसमें रहने वाले लोगों का क्या होता होगा, और दूसरा कि गलती से चिप्स कभी पूरे तूफान में फंस गया तो क्या होता होगा। जी हाँ, मेरा नाम है निर्मलेश, काम करते हैं शिप पे, और भैया जी बोलेंगे पोल खोलेंगे कि तीसरे एपिसोड में हमने सोचा कि आपके ये दो डाउट्स क्लियर कर ही दे, क्योंकि आज से 4 साल पहले सलमान भाई की भारत जैसी मूवीज के राइटर और डायरेक्टर ने पता नहीं क्या सोच के इन कॉन्सेप्ट्स की, जहाँ पे शिप को पायरेट्स हाईजेक तो कर लेते हैं पर सलमान भाई साहब नाच गा के पायरेट्स को भगाते हैं। पुपा के शादी में थोड़ी आया वो। असल में अगर शिप्स हाईजेक हो जाए तो पूरे क्रू को एक जगह सिमट के रहना पड़ता है सोमालिया के आसपास, और ऐसे कुछ जगहों पे गन फायरिंग भी करते हैं। हाँ, धीरे धीरे ये चीजें कम हो रही है, कंपनीज और शिप्स आर्म गार्ड लेके चला करते हैं जो कि आपके शिप पे पायरेट से प्रोटेक्शन करने में हेल्प करते हैं और पायरेसी अटैक्स को रोकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे वार्निंग्स ऑलरेडी इशूड होते हैं जिन पे अगर आपने ध्यान रखा और अपने शिप का रूट सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया तो पायरेसी के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। दूसरी बात, जहां तक रही समुद्र खराब होने की, तो इसके बारे में हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं। अगले वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे कि हमारे शिप्स पे आखिर कंटेनर्स दिखते क्यों नहीं है, भैया जी हमारा शिप करता क्या और हम शिप पे क्या करते हैं।